बताया जो बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों को दो रेखा को मिलाने से समकोण बनता है, अनुभवी रेखाओं को समकोण कहते हैं। अगर समकोण से अगर थोड़ा जोर से बोलो, अगर समकोण 90 डिग्री से 80 डिग्री तक के बीच में हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं, और समकोण से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, और शून्य से लेकर 80 तक को सरल कोण कहते हैं, और 180 तक को सरल कोण कहते हैं। और सरल बना के दिखाओ आपके हाथ में। हाँ, ये सरल कोण 180 का। और अगर हम इसको घुमा के ऐसे बनाए तो उसको वृत्त कोण कहते हैं। 180 से ज़्यादा होता उसे वृत्त कोण कहते हैं। हाँ, और ऐसा कुछ पूरा घुमा के 360 तक, शून्य से लेकर 360 तक बनाएंगे तो संपूर्ण कोण कहते हैं। अच्छा, गुड।